हेलो फ्रेंड्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है, डैट इज़ दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म। फर्म के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जो फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव। बाकी जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम सेकेंड पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने स्टूडेंट की और ज़्यादा, मतलब क्योंकि हमें कई बार क्या होता है कि रिटन नोट्स भी चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे हमने एक ब्लॉग स्पॉट जो है गर्ग शशि के नाम पे स्टार्ट किया है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। वेरी सून जो है उसके अंदर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो पुराने पेपर्स हैं, उनके सोल्यूशन हम वहाँ पे डालेंगे और वहाँ पे आपको सिंपल नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी जो लर्निंग है और भी सिंपल हो जाए। तो आप मेरा जो ब्लॉग स्पॉट है गर्ग शशि, उसका लिंक ओपन करके आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आप अपने जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मेरी जो ईमेल आईडी है queriesmanagement@gmail.com जो है उस पर आप जो है मुझे सेंड कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं फर्म का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्म का अर्थ क्या होता है। फर्म जो है एक सिंगल यूनिट है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के अंदर बिजी होती है, और फर्म जो है सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, वन पर्सन कंपनी भी हो सकती है। एडविन मैंसफील्ड ने फर्म को डिफाइन किया है, फर्म इज ए यूनिट विच प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल। अब हम देखते हैं कि जो फर्म है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उद्देश्य, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस सेट करते हैं तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि जब हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं तो हमारी डायरेक्शन भी क्लियर हो जाती है। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर क्या था कि फर्म को जो है बेसिकली जो फर्म थी उसका जो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव माना गया था, वो फर्म का जो जनरली ऑब्जेक्टिव माना गया था कि फर्म का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू अर्न दी मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि वहाँ क्या था कि ज़्यादातर जो थे मैनेजर या ऑर्गेनाइजर थे वो ऑनर्स होते थे, लेकिन मॉडर्न एज के अंदर क्या है कि जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी हम खोल सकते हैं और जिसके अंदर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट जो होती है सेपरेट हैंड्स में होती है, क्योंकि ऑनर जो है पैसा लगाते हैं लेकिन इसको जो मैनेज किया जाता है डैट इज़ प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह देते हैं, तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो उसी तरह जो ऑनर्स होते हैं, उन्होंने पैसा लगाया होता है, उनको होता है कि हमारी रिटर्न जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेल मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे व्हाट आर दी ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिट्स, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरल यूटिलिटी, सेटिस्फाइसिंग थ्योरी, साइरेट एंड मार्क्स बिहेवियरल थ्योरी, सर्वाइवल भी हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव करने से पहले हम प्रॉफिट का अर्थ समझेंगे। देखो, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है, एंटरप्रेन्योर होता है। जो लैंड है देखो उसको क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, जो एंटरप्रेन्योर है जो कि रिस्क लेता है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, देखो जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के अंदर ज़्यादा गैप होता है तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये एक प्योर प्रॉफिट होता है, और ये प्योर प्रॉफिट जो होता है जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा मिलता है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है डैट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट
माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट या माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट होती है, जो हम एक्चुअल में चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज करते हैं, जो एक्चुअल में हम कैश पे करते हैं। जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है डैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, जिसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कह देते हैं, कि जब ऑनर जो है अपने घर से पैसा लगाता है, अपनी बिल्डिंग देता है, अपनी लेबर देता है। तो यहाँ पे जब हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो डैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ऑनर ने जो अपने रिसोर्सेज डाले हैं। और इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होती है डैट इज़ द प्योर प्रॉफिट, जो टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जब हम अकाउंटिंग या बिजनेस प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू माइनस द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसके अंदर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट या नॉर्मल प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं कि जो आउट ऑफ द पॉकेट हमने खर्चे पे किए हैं, जो टोटल रिसीट्स हमें मिल रही है, उसके अंदर जो गैप है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग या बिजनेस प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है, देखो जो वैसे भी जब हम बिज़नेस सेट करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक यही होता है कि हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और इवन जो हम प्रोडक्ट या सर्विस की जो प्राइस फिक्स करते हैं तो वहाँ पे भी हम यही लॉजिक लगाते हैं कि हमने प्राइस इस तरह से फिक्स करनी है ताकि हमें बढ़िया रिटर्न मिले। और ये सही भी लगता है क्योंकि ये सबसे प्रोडक्टिव बिज़नेस ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जब भी हम बिज़नेस सेट करते हैं तो हमारा हमेशा यही लॉजिक होता है कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा तो हम अपने बिज़नेस को रन कैसे करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि देखो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इवन जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो भी यही मतलब उनका था कि जब भी हम बिज़नेस सेट करते हैं तो उसके पीछे जो एक रैशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। देखो इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है, जो बेसिक अजम्पशन है, देखो एक फर्म जो है वैल्यू ऐड करती है। ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट का मतलब होता है कि इनपुट्स को लेके हम उसको आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करती हैं। नेचुरली यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू एडिशन होती है, तो उस वैल्यू एडिशन के बदले में इसको जो है प्रॉफिट मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, इसको ये रैशनल मैनर के अंदर जो है अचीव करने की कोशिश करती है। ये अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती है, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे हम ये भी अजम्पशन लेते हैं कि जो मार्केट इन्वायरमेंट है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसके बारे में हमें पता होता है कि हमने इस तरह का कंपटीशन है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो कंडीशन है, इवन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के अंदर भी चेंज नहीं होती, चाहे पीरियड शॉर्ट रन है चाहे पीरियड लॉन्ग रन है, बट स्टिल द ऑब्जेक्टिव इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और यहाँ पे देखो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर जो है ये देखा जाता है कि प्राइसेस के अंदर हमने किस तरह से चेंजेस करनी है, इनपुट्स और आउटपुट का रिलेशनशिप क्या है, किस तरह से उनकी कॉस्ट को हम मैनेज करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिले। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो यहाँ पे जो गोल है फर्म का डैट इज़ टू मैक्सिमाइज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है। देखो जितना गैप जो है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के अंदर ज़्यादा होगा उतना ही क्या है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट की जो है दो कंडीशंस हैं, एक है मार्जिनल रेवेन्यू जो है डैट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, ये नेसेसरी कंडीशन है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म ही शुड चूज़ दी आउटपुट फॉर विच मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉस्ट का अर्थ होता है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसे एक एडिशनल जब हम एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट के अंदर जो वृद्धि होती है, जैसे मान लो हमने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो वहाँ पे जो लागत है वो 100 है, लेकिन जब हमने 11 यूनिट मैन्युफैक्चर किया है तो टोटल कॉस्ट हमारी 109 हो जाती है। तो यहाँ पे एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो एडिशनल लागत है डैट इज़ ₹9। तो उसी तरह ही जब हम एक एडिशनल यूनिट सेल करते हैं तो उससे हमें एडिशनल इनकम क्या प्राप्त होती है, डैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। देखो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। और सेकंड जो कि सफिशिएंट कंडीशन है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है
उसको मार्जिनल कॉस्ट जो है नीचे से कट करें। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू है डेट शुड बी लेस देन द स्लोप ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो ये जो है हमारा आउटपुट है और ये जो है हमारा रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, ये जो है हमारा प्रॉफिट मैक्स, ये जो है ये वाला जो कर्व है ये हमारा प्रॉफिट कर्व है। और यहाँ पे देखो ये जो है ये हमारा टोटल रेवेन्यू है जो एक सीमा के बाद कम होना शुरू हो जाता है, और ये जो है हमारा टोटल कॉस्ट है। और यहाँ पे हमने पैरेलल जो है लाइंस ड्रॉ की हैं इनका आपने। और यहाँ पे देखो इस बिंदु पे क्या है कि टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट के अंदर जो गैप है डैट इज़ द मैक्सिमम गैप, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। उससे पहले देखो ये जो सिचुएशन है डैट दिस इज़ द ब्रेक इवन, दिस इज़ द ब्रेक इवन, ये जो एरिया है डैट इज़ द लॉस एरिया। उसके बाद भी क्या है कि हमें लॉस होता है, बट यहाँ पे इस बिंदु पे जो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का जो गैप है डैट इज़ द मैक्सिमम। ओ वाई पे हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तीसरा भी जो डायग्राम है इसके नीचे ही बनाना है, वो इसके अंदर नहीं आ रहा था तो मैंने इसको अगली स्लाइड पर जो है बनाया है। अब उसी के अंदर देखो जो हमारी कंडीशन है कि एम सी जो है एम आर के इक्वल होना चाहिए और एम सी जो है एम आर को नीचे से कट करें। देखो यहाँ पे दिस इज़ ए आर है, ये एम आर है, और यहाँ पे दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे एम सी जो है एम आर के बराबर भी है और जो है उसको नीचे से भी कट कर रहा है। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन है कि एम सी जो है डेट शुड बी इक्वल टू एम आर और एम सी जो है एम आर को नीचे से कट करें। तो अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो फॉर्म जो है उसको मैक्सिमम जो है प्रॉफिट होता है। उसी तरह हम देखते हैं, देखो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये एक वैलिड ऑब्जेक्टिव है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है एक वैलिड ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब हम पहले सबसे पहले हम वो करेंगे कि जो लोग कहते हैं कि हाँ ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वैलिड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट का इसके अंदर मतभेद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। देखो फर्स्ट है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव है, क्योंकि देखो जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा ये लॉजिक होता है कि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि हम कोई भी बिज़नेस क्यों सेट करते हैं, कोई भी काम हम क्यों करते हैं, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव होता है क्योंकि हमने प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना होता है। और देखो ये फर्म की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी भी होता है। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा तो हम अपने बिज़नेस को रन कैसे करेंगे, हम जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसको मीटअप कैसे करेंगे, और कल को अगर डिप्रेशन आता है तो प्रॉफिट जो है, क्योंकि अगर हमारे पास पहले से प्रॉफिट है तो हम उस डिप्रेशन को भी झेल सकते हैं। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। और देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और देखो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है डैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, क्योंकि देखो बहुत सारी फर्म्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि हमने बिजनेस जो है सेट इसलिए किया ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और उसी तरह क्या होता है कि जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तो फर्म की एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो फर्म एफिशिएंट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है अर्न करेगी। और उसी तरह क्या है कि देखो जो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है इसके अंदर हम जो ग्रुप ऑफ फर्म्स हैं उनका बिहेवियर भी जान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम पर्टिकुलर फर्म का बिहेवियर स्टडी करते हैं, बट इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जब मार्केट फोर्सेस के अंदर चेंजेस आती हैं तो प्राइस एंड आउटपुट के अंदर चेंजेस कैसे आती हैं, तो हम उनके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है डैट इज़ ए वैलिड ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है, जिन लोगों का कहना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है एक सही ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखो सबसे पहले तो क्या है कि जो लोग कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सही नहीं है, वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे मार्केट कंडीशन के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता,
तो उस वजह से क्या होता है कि हमेशा जो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिप्रेशन है तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, अगर कंपटीशन है तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सेल मैक्सिमाइजेशन। तो इस करके क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, क्योंकि मार्केट कंडीशन बदल जाती हैं तो उस वजह से ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। और उसी तरह देखो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं वहाँ पर ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हैंड्स में होती है, वहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो है वीक कंसेप्ट है, क्योंकि जो मैनेज करते हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। और यहाँ पे हम कुछ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस भी लेते हैं कि जो सारी फॉर्म्स हैं वो अपनी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इवन जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो ऑपरेट करते हैं वो उनको पता होता है, तो ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। और उसी तरह क्या है कि देखो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये इरेलीवेंट भी होता है। कई बार क्या होता है कि नेचुरली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते, उनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती, तो वो जो है ऑप्टिमम डिसीज़न नहीं ले पाती। और उसी तरह क्या होता है कि देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ये होता है कि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो जो फॉर्म्स होती हैं जनरली उनके अंदर मोनोपोली की टेंडेंसीज होती हैं, जो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। अब देखो ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है कि इंटेंस कॉम्पिटिशन होता है, तो वहाँ पर हम मार्केट कंडीशन को डिटर्मिन नहीं कर सकते, और वहाँ पर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। और देखो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है ये एक बेसिकली क्या है कि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर देखो लोगों को डिमांड के बारे में भी नहीं पता होता, और ये एक प्रॉपर गोल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव को जो है इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है तो उससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं उसके अंदर, उस बिज़नेस के अंदर एंटर करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।